सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज जैसा कि आप लोग जो थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, वैसे तो आज है मेरे कान्हू और मेरे लड्डू मेरे लाला की छठी। तो हाँ, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के बज चुके हैं 6:45 के अप्रोक्स है, जो है 7 बजे में कुछ मिनट बाकी है। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने डेली रूटीन में। बस केवल क्या है कि डेली रूटीन में आज मैंने साड़ी वेयर कर ली है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे हैं, दैट्स इट। बाकी मेरा डेली रूटीन है। तो बस अब चलते हैं कान्हा जी, अपने कान्हू की, अपने लाला की, अपने लड्डू की, इन लोगों की मैं चलती हूँ, करती हूँ थोड़ी सी उनको अभिषेक करा के, उनको नया ड्रेस डाल के, उनकी जगह है उनकी जहाँ पे वो हमेशा विराजते हैं वहां पे बैठाऊंगी। और जो ये आप लोग पीछे के देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में डेकोर किया था जन्माष्टमी पे, वो सब हट गया क्योंकि आज जो है लाला छठी है। तो जैसे बच्चों की छठी होती है वैसे मेरे लाला की छठी, तो आज उनकी भी जगह चेंज होगी। तो मैंने पूरा वो सब तैयार कर लिया है, बस अब चलते हैं पूजा करते हैं और उनको स्नान करवा के, उनको नए कपड़े पहना के फिर आगे बढ़ते हैं किचन की तरफ। सो हम पहले यहाँ पे बनाते हैं एक स्टार। इसी थाली में मेरे लाला को नहलाऊंगी पंचामृत से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री ओ यार, आज छठी कान्हा की और लड्डू की मेरे, तो हम पहले सबसे पहले इनको स्नान कराएंगे, इनके सारे वस्त्र निकाले, इसके बाद इनको स्नान करवाया। तो सबसे पहले शहद से, फिर इसके बाद हमने दही से, दही के बाद दूध से, दूध के बाद गंगा जल से और घी से, इतने चीज़ों से मैंने इनका स्नान करवाया। इनको तो चंपू चंपू से बनाया मेरे क्यूट। और हाँ, मैंने माले नहीं निकाले थे क्योंकि इनका जो माला था ना वो मैंने बांधा हुआ था, निकल नहीं रहा था। मैंने जाने दो, आज रहे निकाल दूंगी। उसके बाद यहाँ पे उन दोनों लोगों को रगड़ रगड़ के नहला रही थी मैं। नहलाने के बाद इसके बाद इनको बहुत प्यारे प्यारे से वस्त्र ना, और इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना मुझे मेरे कान्हू और लड्डू आज, पता नहीं क्या मतलब, बहुत ज़्यादा जैसे वो कुछ मुझसे कहना चाह रहे हो, मैं उनको कुछ कहना चाह रही हूँ। ऐसा ही आज चला हमारा इनका पूरा दिन। उसके बाद ये घी से थोड़ा सा जो है मसाज करेंगे, मालिश करेंगे, इसके बाद उन दोनों लोगों को। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हमने गंगा जल से स्नान करवाया और यहाँ पे दोनों लोगों को अंडरवियर पहना दी थी, चुट्टियाँ पहना दी थी क्यूट्स क्यूट सी। उसके बाद इनको रेडी करके यहाँ पे इनकी मेन स्थान पे बैठा दिया और दोनों साइड जो है इनका पूरा सेटअप रेडी है। और देखो ना कितने क्यूट लग रहे हैं, एक लोग लाइट ग्रीन पिस्ता कलर में और एक लोग पिंक कलर में, पूरे सच बता रही बहुत 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 ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ है जितना अच्छे वो सीरियसली लग रहे थे, नज़र न लगे पर बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों लोग। और इसके बाद मैंने आज इनकी नज़र भी उतारी है, इनकी पूरी छठी करेंगे। बस चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं उसके लिए सॉरी, पर प्लीज़ वीडियो में बने रहो यार। कान्हा जी की छोटी मोटी सी घर वाली पूजा तो देखना बनता है। यहाँ पे मैंने कहा पहले भोग लगा देते हैं, भोग लगाने के बाद इनके दिया बत्ती आरती कर देते हैं, उसके बाद फिर किचन में चलते हैं फटाफट से इनकी छठी का पूरा खाना पीना बनाते हैं। इसके बाद फिर जो भी होगा प्रसाद वगैरह जिसको भी देना सब मम्मी देंगी। तो बस यहाँ पे हमने इनका भोग लगाया, इस कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना अच्छे ये, जितने प्यारे, जितने सुंदर, जितने क्यूट ये, जितने तारीफ करूँ उतनी कम है, ये सामने से लग रहे थे। तो बस यहाँ पे ये जगह चेंज की जाती है ना छठी के दिन, तो बस वो जो पूरा जन्माष्टमी का सेटअप था उसको सुबह हटाया, रात से लेकर के सुबह तक पूरा क्लीन किया। उसके बाद जो है फिर इनको इनकी इस जगह पे बैठा दिया था कि विराजो मेरे प्रभु। और यहाँ पे देखो मैं इनको भोग खिला रही हूँ, उसके बाद जो है पानी पिलाऊंगी दोनों लोगों को, उसके बाद आरती करूंगी। यार अगर प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कर लेना, मेरे लाला की वीडियो है तो यार प्यार दे देना, इसमें सपोर्ट कर देना और लाइक कर दिया करो दोस्तों, कमेंट करके अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करके
मुझे अपनी राय भी दिया करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए। और नेक्स्ट व्लॉग मेरा किस टॉपिक पे होना चाहिए आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसी पे अपना नेक्स्ट व्लॉग लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव एंड सपोर्ट यार, प्लीज़ शेयर करो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरी इतनी जो पूजा थी ये मेरी रेगुलर की पूजा है, और मैं बताऊँ आपको यार इसमें मेरा करीब आधे घंटे से 40 मिनट लगता ही लगता है, आधा घंटा तो उससे तो कम लगता ही नहीं है कितना भी जल्दी करूँ। तो ये जो मेरा टाइम है ना, मुझे ऐसा लगता है यही मेरे जीवन का असली टाइम है, और इसी का मुझे मतलब जीवन भर समझ में आए। बस इतनी सेवा मैं करती रहूँ जिंदगी भर। और अब देखिए आप बैक कैमरे से इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, कि बस जैसे जी कर रहा था कि मैं इसको देखती रहूँ। और ऐसे ही ये दो लोग बैठे हैं, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कसम से बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमारी पंजीरी बुझ गई है, दूध चढ़ा दिया है एक तरफ, दूध बॉईल हो जाए, दही मेरी जमी हुई है। और आज हम खाया लाला के छठी में क्या बना रहे हैं, तो कढ़ी बना रहे हैं, चावल रोटी बड़े मतलब दही बड़े, और पंजीरी और चंदामृत के लिए, पंचामृत के लिए वही दही का क्या बोलते हो आप लोग, आई डोंट नो बट हम लोग चंदामृत बोलते हैं। तो चंदामृत हो गया, इतना सारा आइटम बनने के बाद फटाफट से करना है यार, जुट जाना है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, दाल पीस रही हूँ, उधर चावल चढ़ाया है फटाक से बड़े का बनाने के बाद। फिर यहाँ पे मैं पहले भून पीस रही हूँ जीरा, जीरा पीसने के बाद क्योंकि बड़े में लगेंगे, उसके बाद फिर मैं फटाफट से दाल पीसने जा रही हूँ, उधर चावल मैंने चढ़ाया। दाल पीसने के बाद फटाक से ये दही बड़े बना लूँगी, दही बड़े सबसे पहले दही बड़े बनाऊँगी क्योंकि कढ़ी आके मम्मी ही बना। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। कृपा कर बाबा तेरा महल बना दूंगा, महल बनावे के इतिहास रचा दूंगा। रही है कृष्ण को गोकुल से राधिका बरसाने से, बुलाए रही है दोनों करो श्री का कृपा कर जोगन आरती, गाए रही है दोनों करो श्री का रे कृपा कर जोगन।
ये है मेरे लाला के लिए दही बड़े, यहाँ पे मेरे रेडी हो रहे हैं बड़े अच्छे से, मतलब फूले हुए हैं। देखते हैं कान्हा को मेरे पसंद आता है कि नहीं आता है, क्या होता है। यहाँ पे हमारा विषाद पूरा रेडी हो गया, अब रोटी केवल जब सब लोग खाएंगे तो सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया रोटी पूड़ी, अभी आपको दिखाएंगे बाद में, चावल और दही बड़े सब सब मैंने ढक। हमारे लड्डू गोपाल की थाली रेडी हो गई है, चावल पानी रोटी पूड़ी कढ़ी और दही बड़े सूखे बड़े और ये पकौड़ी बेसन की, पंजीरी चंदामृत लड्डू और सादा लड्डू। अब देखते हैं मेरे प्रभु खाते हैं कैसे। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके थे तो मैंने सोचा फटाक से रोटी सेकती हूँ, रोटी सेक के सबकी थाली लगा देती हूँ, सब लोग खा पी लेंगे, उसके बाद हम भी खा लेंगे, उसके बाद खाने के बाद सब फटाफट से सारे काम कर लूंगी। तो बस यहाँ पे वही रोटी सेक रही थी और वो पूछ रही थी कि उधर कुछ चाहिए तो नहीं, भैया को दी थी थाली। उसके बाद जो है यहाँ फटाफट से रोटी मैंने बेबी सेकी, उसके बाद मेरा काम आगे बढ़ा। उसके बाद रात में हम मनाएंगे छठ, यहाँ पे मम्मी ने आवाज दिया था तो वही सुनने गई थी पता क्या था। तो अब रात में हम लगाएंगे लल्ला को काजल, तो काजल वगैरह लगाने के बाद लल्ला मेरा सोएगा। मेरे लल्ला को काजल लग गया है छठी के दिन, देख सकते हैं आप लोग। अब इनका नाश्ता करके रुपी के सोने का टाइम हो गया फिलहाल तो, लेकिन काजल देखिए कितना भयंकर लगा है।